देहरादून में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी में चोरी और लूटपाट की घटनाओं पर विराम लगने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल देहरादून के भानियावाला इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर दो महिलाओं और बच्चों को कमरे में बंद किया और इसके बाद लगभग पौन घंटा घर में खूब तांडव मचाया, साथ ही जेवरात और नकदी चोरी की है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दो और घर खंगाले। आपको बता दें, बदमाश फिलहाल फरार हैं और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। इसी के साथ दूसरा मामला देहरादून के खुड़बुड़ा इलाके का, जहां दिन दहाड़े दो स्कूटर सवार बदमाशों ने युवती से फोन छीनने की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो तमाम लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने स्कूटर को घेर लिया। इसके चलते बदमाशों से स्कूटर स्लिप हो गया। बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने बदमाशों के पास से 9 मोबाइल फोन्स बरामद किए। चलिए, तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन का।